भाई लोग आज बात करते हैं सेट रोलिंस के बारे में। सेट रोलिंस को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई उनके फेस टर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपने ब्रॉक लेसनर के बारे में। भाई लोग ब्रॉक लेसनर को लेकर के ऐसी अपडेट आ रही है कि ब्रॉक लेसनर बहुत ही जल्द मंडे नाइट रॉ में रिटर्न कर सकते हैं और वो डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। हो सकता है अपने ब्रॉक लेसनर अगले ही मंडे नाइट रॉ में रिटर्न कर जाएं, और हो सकता है कि जो रॉक की मतलब रॉयल रंबल के पहले वाली रॉ वहाँ पे अपने ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर जाएं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेसली की अगर फ्यूड करानी है रॉयल रंबल में, उसके पहले अपने ब्रॉक लेसनर को रिटर्न कराना पड़ेगा, क्योंकि तभी अपने ब्रॉक लेसनर और अपने बॉबी लेसली की फ्यूड हो सकती है। क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर उनके लिए रेसलमेनिया में बहुत बड़े प्लान देखे जा रहे हैं, कोई और मैच देखा जा रहा है, इसलिए अगर पहले तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेसली की फ्यूड तो ख़त्म करानी ही होगी। तो भाई लोग अब देखते हैं अपने ब्रॉक लेसनर कब रिटर्न करते हैं WWE में और कब अपने ब्रॉक लेसनर बॉबी लेसली से सामना करते हैं। तो भाई लोग ये अपडेट है अपने ब्रॉक लेसनर को लेकर के और साथ में बॉबी लेसली को लेकर के। और भाई लोग चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि जुड़ी अपने द क्वीन शार्लेट फेयर के बारे में। भाई लोग जैसे आपको पता होगा शार्लेट फेयर ने इस लास्ट स्मैकडाउन रिटर्न की थी और वो एज ए चैम्पियन भी बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने रोंडा राउजी को चैलेंज किया और उनको हरा भी दिया और बन चुकी हैं न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैम्पियन। तो भाई लोग अब देखने वाले समय में जो अपडेट आ रही है कि अपनी शार्लेट फेयर जो हैं वो रेसलमेनिया में जाएंगी एज ए चैम्पियन और वो रेसलमेनिया के पहले टाइटल लॉस नहीं करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और जो उनका ओपोनेंट है वो ओपोनेंट भी जहाँ तक लीक हो चुका है और ओपोनेंट बताया जा रहा है रोंडा राउजी तो नहीं है, वो ओपोनेंट है अपनी रिया रिपली। तो भाई लोग ऐसी अपडेट है कि अपनी जो रिया रिपली हैं वो इस साल अपनी शार्लेट फेयर को फेस ऑफ कर सकती है रेसलमेनिया में। ये बहुत अच्छी फ्यूड होगी, बहुत बड़ी फ्यूड होगी अपने शार्लेट फेयर को, जो कि रेसलमेनिया में उनका मुकाबला हो सकता है अपनी रिया रिपली के साथ। तो भाई लोग ये अपडेट है अपनी शार्लेट फेयर के बारे में। और इसके अलावा बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि जुड़ी हुई अपने ब्लड लाइन के मेंबर के बारे में। तो भाई लोग जो अपने ब्लड लाइन के जे उसो हैं वो थोड़ी सी अलग रहते हैं अपनी टीम से, उनके बारे में अपडेट है कि अपने जो जे उसो हैं और जेमी उसो हैं, शायद हो सकता है इनका भी आपस में कभी दोस्ती ख़त्म हो सकती है और भाई भाई आपस में लड़ सकते हैं। और मेन कारण होगा अगर टाइटल लॉस करते हैं अपने जे उसो या जेमी उसो, जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल है, तो इसके बाद इन दोनों के बीच में दुश्मनी देखने को मिलेगी। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अपने जेमी और जे उसो को सेपरेट करना चाहती है WWE। अब देखते हैं WWE कब सेपरेट करेगी जे और जेमी उसो को। और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टोरी लाइन हो सकती है जब अपने जे और जेमी उसो अलग हो सकते हैं। तो भाई लोग ये अपडेट है अपने ब्लड लाइन के मेंबर जे और जेमी उसो के बारे में, और जे और जेमी उसो के आने वाले टाइम में अलग होंगे या नहीं होंगे। और अब बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि जुड़ी हुई अपने सेट रोलिंस के बारे में। तो भाई लोग जैसे आपको पता होगा कि सेट रोलिंस इस टाइम पे हील सुपरस्टार हैं और सेट रोलिंस लगभग 2 साल से ऊपर हो गए, बल्कि 3 साल होने चले कि अपने सेट रोलिंस हील सुपरस्टार हैं और उन्होंने अभी तक बेबी फेस टर्न नहीं किया है। और उन्होंने लास्ट मंडे नाइट रॉ में उनका मुकाबला हुआ था अपने ऑस्टिन थ्योरी के साथ और वहां पे उन्होंने हार का सामना करना पड़ा ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ। तो हो सकता है आने वाले टाइम में अपने सेट रोलिंस को WWE अगर इंजर्ड होते हैं सेट रोलिंस, तो फिर आगे का प्लान पता चलेगा क्या होता है फ्यूचर में। अगर नहीं तो अगर सेट रोलिंस इंजर्ड नहीं है, अगर स्टोरी लाइन है सेट रोलिंस इंजर्ड दिखाने की, तो हो सकता है अपने सेट रोलिंस बेबी फेस टर्न कर जाएं और सेट रोलिंस अब फेस सुपरस्टार के रूप में रिटर्न करें। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन होगी, तब सेट रोलिंस के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान सोच रहे होंगे अपने ट्रिपल एच। और अगर सेट रोलिंस फेस सुपरस्टार होते हैं और रोमन रेंस हील सुपरस्टार होते हैं, तो हो सकता है कि रेसलमेनिया का द रॉक अवेलेबल नहीं है, कोडी रोड्स का मैच नहीं करवाना चाहती WWE रोमन से, तो हो सकता है अपने सेट रोलिंस वर्सेज रोमन रेंस की भी फ्यूड अपने करा सकते हैं ट्रिपल एच। तो भाई लोग अपडेट है सेट रोलिंस के बारे में कि सेट रोलिंस फेस टर्न करने वाले हैं क्या WWE में, लेकिन उसका कोई भी पुख्ता अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही है कि सेट रोलिंस क्या फाइनली
फेस टर्न करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो है कि सेट रोलिंस को करेक्टर चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ये सेट रोलिंस का पुराना करेक्टर है, इस करेक्टर में इंटरटेनिंग तो है लेकिन वो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। अगर सेट रोलिंस फेस टर्न करते हैं, सेट रोलिंस को बहुत ही ज़बरदस्त माइक स्किल है और साथ में रिंग स्किल तो लाजवाब है ही है। जब सेट रोलिंस फेस रहेंगे तो उनको कंपनी अगर टॉप सुपरस्टार के रूप में बुक करती है तो आने वाले टाइम में सेट रोलिंस बहुत ही ज़्यादा कंपनी के लिए फ़ायदा दिला सकते हैं, क्योंकि मर्चेंडाइज सेलर भी सेट रोलिंस टॉप कर सकते हैं और साथ में हर जगह WWE के जो इवेंट होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर जाके अपने सेट रोलिंस मेन WWE के फेस के रूप में जाके काम कर सकते हैं। तो भाई लोग, ये अपडेट है अपने सेट फ्रीकिंग रोलिंस के बारे में और सेट रोलिंस के फ्यूचर प्लान को लेकर के। अब देखते हैं सेट रोलिंस कब रिटर्न करते हैं WWE में और सेट रोलिंस का क्या फ्यूचर प्लान होता है। अगर भाई लोग, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।